वैसे तो ये चराचर जगत भगवान के अधीन है और वे ही इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी आता है जब इस संपूर्ण जगत पर भगवान का शासन नहीं रहता। पौराणिक कथा के अनुसार धन त्रयोदशी से लेकर अमावस्या यानी दीपावली तक 3 दिन संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान का शासन नहीं रहता है। दैत्यराज बलि को दिए अपने वरदान के अनुसार भगवान स्वयं 3 दिन के लिए इस संसार से अपने शासन का त्याग करते हैं। धन त्रयोदशी से अमावस्या अर्थात दीपावली तक इस समस्त संसार में दैत्यराज बलि का शासन रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति दैत्यराज बलि के शासन में दीपमाला प्रज्वलित करता है उसके यहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। कथा के अनुसार एक बार बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया, तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु ने अपने 1 पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। अन्य प्रसंग है कि बाद में बलि ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक संसार का शासन उसके हाथों में रहेगा। तब से ये मान्यता है कि इन 3 दिनों में भगवान का राज नहीं रहता। बलि के हाथों में संपूर्ण संसार की बागडोर होती है।